नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। देखिए, पितृपक्ष का समय चल रहा है, ऐसे पांच जीव हैं जिनकी कृपा आपको मिल सकती है, आपके पितरों से प्रसन्न हो सकते हैं और आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। वो कौन से हैं पांच जीव और कैसे आपको इनकी कृपा पानी है, आज विस्तार से इसी पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए नियमित रूप से गाय और कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष में ही नहीं, उसके अलावा भी गाय को रोटी या चारा खिलाएं, कुत्ते को ब्रेड बिस्कुट दें, दूध दें। अगर आप नियमित रूप से गाय और कुत्ते की सेवा करें तो इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। और अब पंडित जी से जानते हैं 20 सितंबर 2024 के पंचांग के बारे में। दिनांक 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात 9:15 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि पितरों से पशु पक्षियों का क्या संबंध है। बिल्कुल। देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन से पांच जीव हैं जिनकी सेवा करने से पितृपक्ष में उन जीवों की कृपा आपको मिलती है और आपके जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, वो प्रसन्न होते हैं, वो तृप्त होते हैं। उन जीवों में पशु पक्षी भी शामिल हैं। तो पितरों से पशु पक्षियों का क्या संबंध है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष में हमारे पितृ, हमारे पूर्वज धरती पर आ करके हमें आशीर्वाद देते हैं और ये हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं, हमारे पास आते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं, हमारे निकट आते हैं, वो हैं गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी। श्राद्ध के समय या पितरों के लिए भोजन निकालते समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 निकाले जाते हैं, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, कौवे के लिए और देवताओं के लिए। ये 5 जो अर्पित किए जाते हैं, इनको पंच बलि कहा जाता है। और जिस दिन आप अपने पूर्वज का श्राद्ध करते हैं, जिस तिथि पर उनका देहांत हुआ होता है, उस तिथि पर जब आप उनका श्राद्ध करते हैं, तो इन 5 जीवों के लिए निश्चित रूप से भोजन का अंश निकालते हैं
और इन्हीं के माध्यम से आपके पितृ भोजन ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं। पंडित जी, अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है बताएं। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, सेहत बेहतर रहेगी, मानसिक समस्याएं आपकी हल होंगी और धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करिए। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की बाधा दूर होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ये बताएं कि आखिर पंचबली किस प्रकार दी जाती है? आपको बताया कि गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवता, इन 5 लोगों को जो आहार का अंश दिया जाता है उसे पंचबली कहते हैं। किस प्रकार देते हैं? सबसे पहले जिस दिन श्राद्ध होता है उपला जलाकर, जिसको कंडा भी कहते हैं, गोबर का उपला होता है, इसको जला करके उसमें भोजन की 3 आहुति दी जाती है। भोजन का 3 छोटा छोटा अंश अग्नि में डाला जाता है। लोगों के भोजन करने के पहले या स्वयं भोजन करने के पहले 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवता के लिए पत्ते पर भोजन का अंश निकाला जाता है और कौवे के लिए भूमि पर, जमीन पर भोजन का अंश रखा जाता है। और फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ, हमारे पूर्वज आहार ग्रहण करें, तृप्त हों और प्रसन्न हों। ये आपको श्राद्ध कर्म में किसी को भी भोजन कराने के पहले या भोजन की शुरुआत करने के पहले ये 5 अंश निकालने होंगे, प्रार्थना करनी होगी, तब आप किसी को भोजन करवा सकते हैं या स्वयं भोजन कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, आगे की राशियों के बारे में भी अब आपसे जानते हैं। कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है बताएं।
कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, परिवार में खुशहाली आएगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, ऑफिस में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, परिवार में भी किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न सुनील तिवारी जी ने हमें लिखा है, जोधपुर से लिखते हैं। 16 जुलाई 1976 का जन्म है, 1:40 मध्य रात्रि को गुवाहाटी आसाम। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है, नई नौकरी मुझे कब तक मिलेगी और मेरे जीवन का संघर्ष कब कम होगा। सुनील जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आपके नौकरी पाने का समय अभी चल रहा है, इसी साल के नवंबर से लेके और जनवरी 2025 के बीच में, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में आप नौकरी निश्चित रूप से पा जाएंगे, लेकिन आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। दूसरा, आपकी कुंडली में बुध, शनि, शुक्र अस्त हैं और यही तीनों वृषभ लग्न के महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो जब महत्वपूर्ण ग्रह अस्त होंगे तो जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, जो आप कर रहे हैं। लेकिन आपका आने वाला समय अच्छा है, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न मणि कोनार ने हमें लिखा है और मणि हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। 24 नवंबर 1995 का जन्म है, 4:30 प्रातः मुंबई। इन्होंने एक लड़की का डिटेल भी भेजा है और ये पूछ रहे हैं कि क्या उससे मेरी शादी हो सकती है। लड़की की कुंडली मांगलिक है तो क्या मेरी कुंडली से मंगल दोष कैंसिल हो रहा है? मणि आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। आपके लग्न में राहु बैठा है और लड़की के लग्न में मंगल बैठा हुआ है, जिस वजह से ये मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। और जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, इस साल के आखिरी में या अगले साल के मध्य के पहले, जून 25 के पहले आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होना चाहिए, उसकी संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। देखिए, आपका जो शुक्र है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए शुक्र को बेहतर करना होगा ताकि आपका मन चाहा विवाह जल्दी से जल्दी हो सके। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करें। अगर ये दो उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, आपने पांच जीवों के बारे में तो बताया, लेकिन ये भी बताएं कि आखिर इन्हीं पांच जीवों का चुनाव क्यों किया गया है? आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भैंस को क्यों नहीं, हाथी को क्यों नहीं, क्यों गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे, इन्हीं का चुनाव क्यों किया गया? देखिए, कुत्ता जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, वाटर एलिमेंट का प्रतीक है कुत्ता। चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और देवता आकाश तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार इन पांचों को आहार दे करके हम पांच तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके जानने की ये है कि केवल गाय में ही एक साथ पांचों तत्व पाए जाते हैं। गाय के अंदर पांचों तत्व पाए जाने की वजह से ही गाय को सबसे ज्यादा पवित्र पशु माना जाता है। तो आप बाकी पंचबली करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पितृ पक्ष में गाय की सेवा करना विशेष फलदायी होता है। पितृ पक्ष में गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। मात्र गाय को चारा खिलाने से और गाय की सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। आप पितृ पक्ष में नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाएं, गाय को चारा खिलाते रहें, गाय की देखभाल करते रहें। अगर मात्र पितृ पक्ष में आप गाय की ही सेवा केवल करें तो भी आपके पितरों की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी।
बिल्कुल पंडित जी, आगे की राशियों के बारे में भी आपसे जानते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है बताएं। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में आपके उन्नति होगी, किसी मित्र की सहायता प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में आपके सुधार होगा, काम की अधिकता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही लाभ होगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ये बताएं कि किस प्रकार हम केवल गाय की ही सेवा करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। आपको पहले बताया कि गाय को एक दैवीय पशु मानते हैं और पांच के पांचों तत्व गाय के अंदर पाए जाते हैं। तो गाय की सेवा किस प्रकार करें? पितृ पक्ष में अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो इससे आपके पितरों को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। साथ ही साथ अगर आप गाय को चारा खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो वो ब्राह्मण भोज के बराबर होता है। पितृ पक्ष में अगर पंच गव्य का प्रयोग किया जाए, गोमय यानी गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, मक्खन, पंच गव्य का प्रयोग अगर पितृ पक्ष में किया जाए तो पितृ दोष, जो राहु का मुख्यतः दोष है, वो थोड़ा शांत होता है। साथ ही साथ अगर आप पितृपक्ष में गाय का दान करते हैं तो हर तरह के ऋण से और हर तरह के कर्म से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पंच बलि दीजिए, वो जरूरी है, लेकिन पितृपक्ष में आप गाय की सेवा जरूर करिएगा। गाय को रोटी खिलाना, गाय को चारा खिलाना, गाय की देखभाल करना, अगर पितृपक्ष में आप ऐसा करते जाएं, गाय की जितनी सेवा आप करेंगे आपके पूर्वजों की आत्मा को उतनी ही शांति मिलेगी। बिल्कुल पंडित जी, आखिरी तीन राशियों के बारे में भी आपसे जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है बताएं। मकर राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, स्थ
स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें, नहीं तो खो सकते हैं। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन का लाभ होता रहेगा, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का बड़ा लाभ इस समय होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। जी, अगला प्रश्न काशीनाथ जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं। 26 मई 1966 का जन्म है, 1:45 AM वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि कुछ वर्षों से मेरा व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, मुझे क्या उपाय करना चाहिए। काशीनाथ जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क। महादशा मंगल की और अंतरदशा शनि की चल रही है। एक तो शनि की अंतरदशा है, दूसरे शनि की ढैया चल रही है और तीसरे शनि कुंडली की अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ज्योतिष के अनुसार आप मार्च 2025 तक इंतजार करिए। मार्च 2025 के बाद आपके व्यापार में सुधार होगा और हो सकता है व्यापार में आप कोई छोटा मोटा परिवर्तन भी करें। आपका व्यापार बेहतर हो और आने वाले समय में स्वास्थ्य की दिक्कत ना हो, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः एक मूंगा पहन लीजिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये मंत्र आप सुबह शाम जपिए और मूंगा धारण करिए, आपको लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है। जी,
आज का अंतिम प्रश्न विनोद कुमार जी ने हमें लिखा है, रेवाड़ी से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 22 अगस्त 2007, 7:45 प्रातः, रेवाड़ी हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री अभी 12वीं कक्षा में है, आगे उसे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, किस तरह के करियर में मेरी पुत्री को सफलता मिलेगी। विनोद जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और वृश्चिक राशि की, आपकी पुत्री की कुंडली। देखिए, आपके पुत्री की कुंडली के हिसाब से मैं कहूंगा कि इनको 12वीं के बाद बीए और एमए करवाइए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई इनको करवाइए, और पहले इनको टीचिंग जॉब में जाने के लिए कहिएगा, बाद में ये प्रशासनिक सेवा में जा सकती हैं, लेकिन शुरुआत के समय में टीचिंग जॉब में जाने की संभावना जरूर बनती है। फिलहाल अपनी पुत्री को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे के लॉकेट में, लाल धागे में, मंगलवार की सवेरे इनको मूंगा पहनाइए। और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, इनको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 20 सितंबर को आता है, उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 20 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, करियर में जब बदलाव होगा तब सुधार होना शुरू होगा, हालांकि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में आपकी कोई विदेश यात्रा हो सकती है। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पूजा पाठ करना, मंत्र जप करना बंद कर देना चाहिए। देखिए, सामान्य नियम ये कहता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर सूतक लग जाता है और सूतक में नए और शुभ कार्य करने की मनाही हो जाती है। सामान्यतः इस समय में कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, लेकिन जो मंत्र आपको याद है, जो नाम मंत्र आप निरंतर जपते हैं, वो जप सकते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं 20 सितंबर 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 20 सितंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब बात कर लेते हैं आज की गुडलक राशि की।
अब जान लेते हैं आज की गुडलक राशि के बारे में, जिसमें हम बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का समय कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है धनु। इस समय आप अपने करियर में बड़े परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, हालांकि परिवर्तन फायदेमंद होगा। संतान की चिंताएं, परिवार की चिंताएं इस समय आपको समस्या दे सकती हैं, उसका थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां हर दिन जानते हैं पंडित जी से महा उपाय। तो पंडित जी बताएं आज का महा उपाय क्या है। जी, आज के महा उपाय में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी संतान है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है और उसको संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? अपने घर में गाय और बछड़े का चित्र या मूर्ति लगाइए। रोज सवेरे भगवान कृष्ण की उपासना करिए और संतान को संतान हो जाए ये प्रार्थना करिए। घर के अंदर अपने जमीन में या गमले में दूरवा यानी दूब घास जरूर लगा लीजिए। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में। लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।